हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में आप पहुंचे हैं। कहता है एक आदमी रेल 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी और कार से करता है। एक आदमी है जो 600 किलोमीटर दूरी चलता है रेलगाड़ी और कार दोनों मिला करके, ठीक है। यदि 400 रेलगाड़ी से और 200 की और शेष यात्रा कार से करता है, तो देखिए जब 600 चलेगा कुल, 400 रेलगाड़ी से, 200 कोची से चलेगा कार से, तब उसे 6.5 घंटा का समय लगता है। तो पहले कहता है रेलगाड़ी और कार की चाल क्या करें, तो मान लीजिए माना रेलगाड़ी का चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कार का चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से देखिए आपको दूरी बराबर दिया है, टोटल दूरी कुल दूरी बराबर कितना, कुल दूरी बराबर 600 किलोमीटर, ठीक है 600 किलोमीटर। तो अब आपको क्या करना है, अब बार बार फिर से हम कह रहे हैं प्रश्न से क्या करिए कि समय बराबर सूत्र लगाइए, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल देखिएगा। तो कह रहा है कि प्रथम स्थिति में चला है कि 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो देखिए दूरी में 400 किलोमीटर और चाल रेलगाड़ी से x, और फिर 200 किलोमीटर चलेगा कार से, तो शेष बचेगा y, बराबर में कहता है कि 6 घंटा 30 मिनट का, तो 6 घंटा 30 मिनट का समय लिया, ठीक है। तो यहाँ से अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं 400 बटा x प्लस में 200 बटा y बराबर में 6 घंटा 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 13/2, ठीक है, लिख सकते हैं 6.5 घंटा। अब फिर प्रश्न से क्या कहता है, फिर प्रश्न से कहता है कि यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो फिर प्रश्न से उसी तरह 200 बटा x मतलब दूरी बटा चाल, समय के सूत्र लगा रहे हैं, तथा शेष चलता है कार से, तो शेष कितना कार से चलेगा, 400 चलेगा, 400 बटा y। तब अबर कहता है कि उसे आधा घंटा अधिक, तो 6.5 लगा, तो अभी कितना लगेगा, 7 लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समीकरण यह 2 बन गया और यह समीकरण 1 बन गया। अब आप जैसे समीकरण हल करना जानते हैं उस तरह से आप हल कर सकते हैं, तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। अब समीकरण आप मान लीजिए, माना 1/x बराबर m एवं 1/y बराबर n, हम लोग ऐसे मानते हैं, तो 400/x के हम लोग, तो 400m हो जाएगा प्लस में 200n हो जाएगा बराबर में 13/2 हो जाएगा। फिर आपको हो जाएगा यह समीकरण 3, और इसको से चलेंगे तो 200m हो जाएगा प्लस में 400n हो जाएगा बराबर में 7, यह समीकरण 4। अब बराबर करने के लिए कोई एगो बराबर करिएगा, तो बराबर करिएगा, तो देखिए मान लेते हैं कि हमने इसको में 2 से गुना कर दिया, तो 2 से गुना कर दिया तो हो जाएगा, इसलिए आपको 800m प्लस में 400n बराबर में यह से यह कट जाएगा 13, और इसको में 1 से गुना करेंगे क्योंकि हमको बराबर करना है, तो 1 से करेंगे तो 200m प्लस में 400n बराबर में कितना, 7। अब यहाँ से चिन्ह बदल दीजिए, तो यह से यह कैंसिल, यह कितना बच गया, 600m बराबर में 6, इसलिए m बराबर 6/600 कट के आएगा 1/100, ठीक है। अब m का मान 1 या नहीं, m का मान 3 या 4 में रखिए, तो देखिए मैं इधर मिटा दिया हूँ, m का मान 3 में रखेंगे, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए 400 और m के जगह पर हम 1/100 रख रहे हैं प्लस में 200n, चलिए मैं समीकरण 4 में रख रहा हूँ ताकि ज्यादा आसानी से बने, समीकरण m का मान 4 में रखने पर, तो 4 में रखने पर तो होगा कितना, 200 × 1/100 प्लस में 400n बराबर में 7, उसमें भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय और सिंपल आएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा 400n बराबर में, देखिए यह उधर जाके बचेगा 5, इसलिए n बराबर आपको हो जाएगा 5/400, काटिएगा तो 80 बार में, n बराबर आपको आ जाएगा 1/80। तो उसी तरह लिखिए जब 1/x बराबर m,
और 1 बटा एक्स बराबर एम के जगह पर 1/100, इसलिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 1/y बराबर एन और 1/y बराबर एन के जगह पर 1/80, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको है, आप x माने थे किसका चाल, x आप माने थे शायद रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, y आप माने थे कार का, तो कार हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप खुद भी मेहनत करिए, तब आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया है तो कर ले, दोबारा सब्सक्राइब नहीं करे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 के बाद 39, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39, आप क्वेश्चन नंबर 35 का फोटोकॉपी करके सेम कंडीशन में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का फोटोकॉपी सेम होगा तो ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 35 का समान बना करके आप हमें उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दो प्रश्न और बचे हैं, उनको आज मैं खत्म ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे अब आप एक बार पहले ही समझ लीजिए कि कोई नाव धारा की ओर बहेगा, धारा जने बारा उधरे बहेगा तो तेज जाएगा कि स्लो जाएगा, तेज जाएगा, और धारा के विपरीत ओर बहेगा तो स्लो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जब नाव धारा के दिशा में जाए, धारा के दिशा में तो चाल बढ़ेगा यानी जुटेगा, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा। बस के उल्टा चलता है, नाव में है कि जने धारा जाएगा यानी धारा के दिशा में अनुकूल चाल जुटेगा। याद रखे आप, अनुकूल या धारा की दिशा में चाल जोड़ेंगे, प्रतिकूल या विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत चाल घटाएंगे। इस बात को आप जरूर से जरूर याद रखें, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को जरूर याद रखें इस बनाने के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा अनुकूल 6 किलोमीटर जाने में 6 घंटा का समय लगता है। देखिए तो कहता है कि नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। माना नाव की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि देखिए, तो अब हम एक ही दिशा में धारा की दिशा में चाल क्या होगा, दोनों जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न से ध्यान से समझिएगा, आपको जरूर बनाने आ जाएगा। कहता है एक नाव धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। देखिए धारा के प्रतिकूल मतलब हम लोग विपरीत दिशा कहते हैं, वहां पर धारा के प्रतिकूल को हम लोग विपरीत दिशा कहते हैं और धारा के अनुकूल को धारा की दिशा कहते हैं। जो प्रतिकूल कह रहा है वो विपरीत दिशा है और धारा के अनुकूल कहेगा वो दिशा में है, ठीक है। तो आप हमने पहले लिख दिया है, उसको एक बार जरूर सुधार कर ले। अनुकूल मतलब धारा की ओर है, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में है, ठीक है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, मैंने शायद वैसे ही लिख दिया है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, देखिए प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में, ठीक है, और अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है। तो उसी तरह से समय बराबर लगा दीजिए, समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, समय जब 6 घंटा लेता है तो 16 किलोमीटर प्रतिकूल, तो दूरी 16, प्रतिकूल कितना x माइनस y प्लस 24 किलोमीटर अनुकूल x प्लस y 6 घंटा, समीकरण 1। चलिए फिर प्रश्न से और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, देखिए अभी कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रतिकूल मानो x माइनस y तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, 36 बटा x प्लस y जाने में भी
कि दूरी तय करने में भी उतना ही समय लेता है, मतलब 6 घंटा लेता है। समीकरण 2, तो धारा की चाल नाव एवं धारा की चाल ज्ञात करिए। तो अब आप यह प्रश्न को बहुत पहले समझ चुके हैं कैसे हल करते हैं। तो आप मान लीजिए, क्या मानते हैं, माना 1/x-y = m एवं 1/x + y = n। तो जब आप इसको मानिएगा ऐसे, आप लघुत्तम भी लेकर के इसको मतलब कॉमन लेकर छोटा कर सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 16m प्लस में 24n बराबर में 6, ठीक है। अब आप इसको समीकरण 3 कर सकते हैं, और यहां से करिएगा तो 12m प्लस में 36n बराबर में 6, इसको समीकरण 4 करिएगा। अब आपको बराबर करना है, तो देखिए इसको आप बराबर कर दीजिए, 16 + 48, इसको में 3 से गुना कर दीजिए, इसको में 4 से गुना कर दीजिए, इसलिए आपको हो जाएगा 48m प्लस में 72n बराबर में 18, यहाँ से होगा 48m और 36 × 108n बराबर में कितना, 6 × 24, माइनस माइनस माइनस, अब यह से यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस में 72n बराबर माइनस में 6, इसलिए n बराबर 6/72 1/12, n बराबर कितना आ गया 1/12, n का मान 1 में, n का मान फिर कहाँ रखेंगे हम लोग, 3 में, ठीक है। आप उस अनुकूल और प्रतिकूल का एक बार जरूर ध्यान दे लीजिएगा, n in 3, तो n in 3 रखेंगे तो 16m प्लस में 24 गुने, देखिए n के जगह पर 1/12 बराबर में 6, 12 × 24, 16m बराबर में उधर चला जाएगा 4 बचेगा, m बराबर आ जाएगा 4/16, इसलिए 1/4 1/4। आपको x y का मान निकालना है, जब 1/x - y = m एवं 1/x + y = n, तो 1/x - y आप m के जगह पर 1/ कितना लाए हैं, 4, इसलिए आप m के जगह पर 1/4 लाए तो x - y = 4 आ गया। फिर 1/x + y = 1/12, तो आपको x + y = 12 आ गया, ठीक है। तो अब आप फिर हल कर दीजिए, हल करने पर आपको क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से आप मान निकाल करके आप उधर समीकरण 3-4 बनाए थे, तो आप इसको 5 बना लीजिए, इसको आप 6 बना लीजिए, नहीं तो आप मान भी प्रतिस्थाप करके रख सकते हैं। तो अब इसको हल करेंगे, तो इसलिए आपको होगा x - y = 4 और x + y = 12, यहाँ से कट गया, 2x = 12 × 4 = 16, x = 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और x इन कर रख दीजिए 6 में, x का मान 6 में, तो x के जगह पर 8 प्लस में y = 12, y = 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए नाव का चाल है x किलोमीटर, नाव के चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा का चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको आशा है यह जरूर समझ में आया होगा, अगर आपको यह समझ में आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। अब एक और प्रश्न बच रहा है, उसको भी मैं इसी में खत्म कर देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, एक आदमी 370 किलोमीटर यात्रा ट्रेन और आंशिक कार से करता है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 38 के समान है, ठीक है। कुल दूरी बराबर है आपको 370 किलोमीटर, ठीक है। तो कहता है ट्रेन और कार की चाल, माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। एक मिनट आप वेट कर लीजिए, थोड़ा पावर कट गया, आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 38 सेम कंडीशन का बना चुके हैं, एक आदमी 370 किलोमीटर यात्रा कार से और ट्रेन से करता है। तो हमने मान लिया ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से था, शेष कार से चलता है, तो 4 घंटे का समय लगता है। ध्यान से देखिए प्रश्न से, हमने आपको कहा है केवल समय बराबर लिखिए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल।
तो देखिए कहता है कि यदि 250 चले 250 चले ट्रेन से, तो ट्रेन की चाल इतना, तो दूरी बराबर आपको होगा 250 बटा में x, और शेष चलता है कार से, तो शेष चलेगा तो 120 बचेगा, 120 बटा वाई बराबर में समय कितना लेता है 4 घंटा। ठीक है, आप इसको समीकरण एक कर सकते हैं। ठीक, फिर प्रश्न से क्या कहता है, फिर प्रश्न से यदि या किंतु वह 130 किलोमीटर ट्रेन से, देखिए ट्रेन से 130 बटा एक्स तथा शेष चले कार से, तो शेष कार से चलेगा तो कितना बचेगा 240। ठीक है, 240 बटा वाई बराबर में, तब कहता है 18 मिनट अधिक लेता है। तो अब आप एक बार ध्यान से समझिए, 4 घंटा 18 मिनट, तो 4 × ऐसे करते हैं 4 और 18 कर देते हैं बटा में 60, पूर्णांक करते हैं, मतलब एक तरह से जोड़ हो जाता है। तो आप जितना अधिक लेगा, तो आप 6 से काट दीजिए, 6 × 3 = 18 और 6 × 10 = 60, इसलिए आपको कितना बचेगा 130 बटा एक्स प्लस में बचेगा 240 बटा वाई बराबर में, देखिए 10 × 4 = 40 और 3 = 43/10। अब वहां से आप जैसे माने थे 1/x 1/y, इसको भी मान सकते हैं। तो समीकरण 2, लेट 1/x = m एवं 1/y = n। तो जब इसको आप मानिएगा तो देखिए क्या होगा, ये होगा आपको 250x 250m प्लस में 120n बराबर में 4। इसको आप समीकरण 3 कर सकते हो, और इसको करिएगा तो 130m प्लस में 240n बराबर में 43/10। अब उसी तरह समीकरण इसको आप 4 मान सकते हैं। अब आप इसको दोनों को काटने के लिए, इसको मैं आपको 2 से गुना, इसको मैं आपको 1 से गुना, तो करिएगा तो 250 गुना के हो जाएगा 500m प्लस में 12 × 24 240n बराबर में 8, और इसको करिएगा तो 130m प्लस में 240n बराबर में 43/10। अब यहाँ से चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ से यह कैंसल, आपको 500 में से 130 बच जाएगा, तो 370m बचेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आप घटाइएगा तो 8 − 43/10 हो जाएगा, तो यहाँ से घटाइएगा तो क्या बचेगा, देखिए तो घटाइएगा तो इधर आपको बच रहा है 370m बराबर में, इधर देखिए 10 × 80 − 43, तो 80 − 43 घटाइएगा, 80 − 43/10, इसलिए आपको हो जाएगा 370m बराबर में यहाँ आ जाएगा 37/10। अब आपको ये काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, इसलिए m बराबर आ जाएगा आपको 100, m बराबर क्या आ जाएगा 300 यहाँ से ऐसे गुना करेंगे तो 100m हो जाएगा, 100m बराबर में 1, इसलिए m बराबर हो जाएगा 1/100। अब m in कोई में रख दीजिए, m in 3 रखिए, ज्यादा आसान है, m in 3, तो आपको 250 × 1/100 प्लस में 120n बराबर में 4। तो ये देखिए, आप इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा ऐसे, तो अभी और काट सकते हैं, 5×5 = 25 और 5×2 = 10, आपको ये बचेगा कितना 5/2 प्लस में 120n बराबर में 4। अब आप इसको दूसरी ओर भेजिएगा, तो दूसरी ओर भेजने पर देखिए क्या बचेगा, आपको बचेगा 120n बराबर में 4 − 5/2, तो इसको हो जाएगा 4×8 − 5/2, अब 120n होगा यहाँ पर, और 120n बराबर में आपको हो जाएगा 3/2। देखिए, तो इसको ही काटिएगा तो कई बार में कटेगा 40 बार में, इसलिए n बराबर हो जाएगा 1/80। आप क्या माने थे, जब माने थे 1/x = m एवं 1/y = n, तो 1/x = आपने 1/ क्या लाया 100, इसलिए x = ट्रेन = 100 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 1/y = 1/80, इसलिए y = 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जो प्रश्न नहीं बनता है आप कमेंट करके उस प्रश्न का उत्तर हमें
हमसे पूछ सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में एक प्रश्न को छोड़ा है, आप उस प्रश्न को खुद ही जरूर करें। यह क्वेश्चन नंबर 41 है, और नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन जरूर दबा दें और शेयर भी करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर ले, दोबारा सब्सक्राइब ना करें।